Hi, this is Aftab Shivdasani. Keep watching Expose India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि अभिजीत मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं और कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी नेता पार्था चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। पार्था ने कहा कि अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई थी और उन्होंने ये विचार अभिषेक के पास व्यक्त किया था और वो अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पार्था ने कहा कि हम पार्टी में अभिजीत मुखर्जी का स्वागत करते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अब संसद के मानसून सत्र पर भी असर डाल सकता है। दरअसल प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि वो लोग मानसून सत्र खत्म होने तक संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। मानसून सत्र के दौरान किसान किस तरह प्रदर्शन करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान भी उन्होंने तैयार कर लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद स्पीकर ने बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने पर कार्यवाहक स्पीकर का पद संभाल रहे भास्कर जाधव ने कहा है कि जब सदन को स्थगित किया गया था तो विपक्ष के नेता मेरे कैबिन में आए और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल के सामने मुझसे बदतमीजी करने लगे। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि कार्यवाहक स्पीकर ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। स्पीकर ने इस मामले की संसदीय कार्य मंत्री से जांच की मांग भी की है। कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में लगी पाबंदियां जैसे ही हटी तभी से लोगों ने लापरवाही करने की शुरुआत कर दी, जिसके कारण केसों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलने लगी और इसी के बाद से एसडीएमओ की इन्फोर्समेंट टीमों ने जगह जगह जाकर निरीक्षण करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में दिल्ली के लाजपत नगर, सदर बाजार के रूई मार्केट सहित कई दुकानों को 5 और 6 जुलाई के लिए नियमों का पालन न करने के चलते बंद कर दिया गया है और मार्केट एसोसिएशन से भी जवाब मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी किनारे बने रिवर फ्रंट के घोटाले को लेकर सीबीआई ने कई जिलों में छापेमारी की है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की है। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये घोटाला सपा के कार्यकाल में हुआ था। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जबकि 1437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी मात्र 60% काम ही हुआ था। पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, चंडीगढ़ में कैप्टन के खिलाफ भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे थे। नशाखोरी के मुद्दे पर बीजेपी कैप्टन को लगातार घेरने में लगी हुई है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ कोचों ने भी प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार उन्हें नियमित नौकरी देने में असफल रही है, जिसके कारण से उन्होंने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। यूपी में पंचायत अध्यक्ष चुनावों के नतीजे आते ही किसान नेता राकेश टिकैत ने पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के परिणामों में धांधली का आरोप लगा दिया है। जी हां, अकेले राकेश टिकैत ही ऐसे नहीं है, बल्कि बीजेपी की इस बंपर जीत के बाद यूपी की सारी विपक्षी पार्टियों ने यही आरोप लगाया है और कहा है कि पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया था, जिसके बाद भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन राजनीति का पारा देश में बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं कि नेताओं ने अभी से ही पार्टी बदलना शुरू कर दिया है। मायावती की बीएसपी से निकाले 9 विधायकों की अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक बसपा के इन 9 विधायकों को मायावती ने पहले ही निष्कासित कर दिया था। अब इन विधायकों ने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांकरा में देर शाम दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मारपीट में बीजेपी के 6 और टीएमसी के 4 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। दरअसल सोनामुखी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। बीजेपी का आरोप है कि कार्यक्रम को बंद कराने के लिए टीएमसी के गुंडे वहां पहुंच गए और मारपीट की शुरुआत कर दी। हालांकि टीएमसी ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। अब समय है आज की अजब गजब खबर का। जी हां, आपको बता दें कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके पास बांग्लादेश और श्रीलंका से भी ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद हैं। जी हां, चौंकिए मत, फ्रांस के बियोने टाउन में रहने वाले 87 वर्षीय मिशेल पोंट के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट फ्लीट है, जिसमें 110 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2019 के अनुसार बांग्लादेश के पास कुल 90 लड़ाकू विमान हैं, जबकि श्रीलंका के पास कुल 76 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू जहाज रखने के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
हालांकि इसमें से कोई भी विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एक्सपोज इंडिया के साथ। नमस्कार। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Kom. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shedusani. Namaskar, main hu Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singh. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, main Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.